जयपुर में करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के विरोध में आज करेरा बंद कराकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के संबंध में आज गुरुवार सुबह रेस्ट हाउस पर एकत्रित होकर करेरा करनी सेना के जिला अध्यक्ष राहुल सिकरवार के नेतृत्व में लगभग 500 युवाओं के साथ आज सुबह करेरा का बाजार बंद कराया गया। करनी सेना जिला अध्यक्ष राहुल सिकरवार ने बताया कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर कार्यालय में अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी गई। इससे संपूर्ण देश में राजपूत के सर्व समाज में रोष व्याप्त है। सुखदेव सिंह द्वारा कई बार प्रशासन से सुरक्षा की मांग की गई, किंतु प्रशासन ने अनदेखी की। अपराधियों को यह कृत्य करने का अवसर दिया गया जो किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हम सब आपसे ये निवेदन करते हैं कि जयपुर में आंदोलनरत परिवार व सर्व समाज की मांगों को शीघ्र पूरा कर न्याय दिलाया जाए, अन्यथा संपूर्ण देश में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। संपूर्ण करेरा नगर में रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। रैली में अंशुमन रावत, जितेंद्र सिंह, बाबू झा, अमित गेड़ा, विनय मिश्रा, उपदेश भौरे, उत्कृष्ट वाजपेयी, देवेंद्र परमार, रुद्रपाल सिंह परमार, पुष्पेंद्र भोजी सहित 5 सैकड़ से अधिक सर्व समाज के लोगों ने रैली में मौजूद रहे। साथ में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही। समाचार लिखे जाने तक रैली प्रदर्शन जारी था। रिपोर्ट संजय गुप्ता, विलय करेरा। जा रहा है, क्यों करा जा रहा है, बताओ इसकी वजह। जी, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्रीमान क्या कहते हैं स्वर्गीय वासी हमारे सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, उनकी जो निर्मम हत्या की गई है, कायराना जो उनका हमला किया गया घर में घुसकर, तो उसके विरोध में ये आज बाजार बंद का आह्वान किया गया था। और राजपूत ही नहीं, सभी 36 कौम में सर्व समाज के द्वारा हमें समर्थन प्राप्त है। सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया। आज बाजार बंद की जो व्यवस्था थी वो सफल है हमारी, और हमारी जो मांगे हैं क्या कहते हैं एसडीएम, क्या कहते हैं जो महामहिम राज्यपाल और श्रीमान कहते हैं राष्ट्रपति महोदय के लिए अपने फॉरवर्ड किए हैं, जो हमारी कुछ मांगे हैं इसके लिए तत्काल सीबीआई जांच की अपने मांग की है। और हमारे क्या कहते हैं जो दादा के घर वाले हैं उनके लिए आर्थिक मुआवजा और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए, ये हमारी प्रमुख और पुरजोर तरीके से हमने ये मांग उठाई है। सर्वप्रथम क्या कहते हैं उन लोगों को पकड़ा जाए, पुलिस प्रशासन जितनी जल्दी हो सके उनको गिरफ्तार करे, नहीं तो अभी तो ये मध्य प्रदेश राजस्थान है, हिंदी भाषा क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं सभी जगह क्या कहते हैं बहुत उग्र प्रदर्शन होगा यदि ये क्या कहते हैं गिरफ्तारी नहीं हुई तो। ठीक है।